WhatsApp. This account can not longer use WhatsApp dual the स्पेम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप में इस तरह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में हम बताने वाले थे। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलते गए हमारे वीडियो पे बिना किसी देर के। तो सबसे पहले यहाँ से आपको व्हाट्सएप को बैक ले लेना है। मैं बैक ले लेता हूँ। व्हाट्सएप को बैक लेने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ से आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यह आपको फर्स्ट एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट्सएप। यह आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है व्हाट्सएप हेल्प सेंटर। व्हाट्सएप हेल्प सेंटर सर्च करने के बाद फर्स्ट में एक वेबसाइट देखने को मिलेगी व्हाट्सएप की, तो ये वाली व्हाट्सएप हेल्प सेंटर की। तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यह थोड़ा लोडिंग दिखाएगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो यह आपको कुछ भी नहीं, यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट यूज़ का। तो यहाँ कॉन्टैक्ट यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है ये वाला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो आपको जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फर्स्ट में आपको व्हाट्सअप मैसेज सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला व्हाट्सअप मैसेज सपोर्ट का। तो जस्ट यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्ट यूज़ का। तो आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यह आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी हो वो डाल देना है। आपको कुछ भी नहीं, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और यह अपनी जो भी ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी उसके बाद दूसरी बार वही वाली ईमेल आईडी है उसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेना है। जैसे ही पेस्ट करोगे तो यह आपका जिस भी कंपनी का मोबाइल हो, एंड्रॉयड आईफोन जो भी हो, वो वर्ज़न आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा एंड्रॉयड है तो मैं एंड्रॉयड रखता हूँ। उसके बाद यह आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यह आपको एक मैसेज डालना है जो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ये वाला मैसेज आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वो यहाँ आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद यह आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी में एक मैसेज जाएगा, जो आपको उसके बाद आपके 2 से 3 मंथ के अंदर अपना व्हाट्सअप अकाउंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।